जब परमात्मा की नज़र आपके ऊपर पड़ती है और उनकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली होती है, यानी आपके जीवन में होने वाला होता है बड़ा बदलाव, तो आपको मिलते हैं ये पांच संकेत। आज की वीडियो में उन्हीं संकेतों के बारे में बात करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है तो कैसे मिलते हैं ये पांच संकेत। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में इंड तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। जब भी आपको यूनिवर्स की तरफ से ये संकेत मिलने लगे तो समझ लीजिए कि अब आपकी कोई बड़ी विश पूरी होने वाली है, आपकी लाइफ में समृद्धि आने वाली है, आप पूरी तरह से बैलेंस में आने वाले हैं। तो बात करते हैं हम पहले संकेत के बारे में। पहला संकेत आपको मिलता है यूनिवर्स की तरफ से कि बार बार आपके घर में छोटे छोटे बच्चों का आना। अगर अचानक से आपके घर में छोटे छोटे बच्चे लगातार आ रहे हैं तो आप ना ही तो उस पर गुस्सा होइएगा और ना ही उन्हें भगाइएगा, क्योंकि ये परमात्मा का ही रूप होते हैं। अगर छोटे बच्चों ने आपके घर में आना अचानक से शुरू कर दिया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है गाइस, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है जिसके लिए आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं कि आपको तैयार हो जाना है उस पॉजिटिव बदलाव के लिए, जिस बदलाव से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और स्टेबल हो जाएंगे आप। बात करें दूसरे संकेत की, जब आपकी लाइफ में असीमित पैसे आने वाले होते हैं। आप बहुत टाइम से मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन कैसे ठीक होगी, और तभी आपके घर में नेवले ने आना शुरू कर दिया या नेवला आपको कहीं आते जाते दिख गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में मनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और ये एक ही बार में नहीं होगा, धीरे धीरे करके पैसे ऐसे बढ़ने लगेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि आप मेहनत भी उतनी नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसे इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं घर में। तो अगर नेवले ने आपके घर में आना शुरू कर दिया है, खास करके आपके पूजा रूम या आपके किचन में आना शुरू कर दिया है, तो आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में असीमित पैसे आकर्षित होके बहुत जल्द आने वाले हैं जिसके लिए आपको आ जाना है मनी की एनर्जी में। जो लोग मनी मैग्नेट होते हैं ना, वो हमेशा यही सोचते हैं कि वो बिल्कुल समृद्ध हैं, उनकी लाइफ में हर तरफ से पैसे आ रहे हैं। वो कभी अपने आप को ऐसे खाली फील नहीं करते हैं, गरीबी वाले एनर्जी में नहीं रहते हैं। तो खुद को तैयार कर लीजिए बहुत सारे पैसों का मालिक या मालकिन बनाने के लिए। बात करें तीसरे संकेत के बारे में, तो अगर आपके दरवाजे पर बार बार काले कुत्ते ने आना शुरू कर दिया है, अचानक ये सब होने लगता है और रेगुलर होना शुरू हो जाता है। होगा एक दिन आपको लगेगा ये तो एक दिन हुआ है, बट आपको दिखेगा ये चीज़ें लगातार हो रही हैं आपके साथ। अगर काले कुत्ते ने आना शुरू कर दिया और लगातार आ रहा है तो प्लीज़ उसे भगाइएगा मत, रोटी ज़रूर दीजिएगा। ये आपके एंसेस्टर होते हैं जो कुत्ते के रूप में, काले कुत्ते के रूप में आपके दरवाजे पर आते हैं, और जब आप इन्हें रोटी परोस देते हैं ना, तो ये जो भी ब्लेसिंग्स लेके आपके लिए आ चुके होते हैं उन्हें ज़रूर देते हैं। जब आपके पूर्वज आपको ब्लेस्ड करते हैं, जब भगवान शनि आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो मिल जाता है। तो जब आप काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपके जो पूर्वज हैं वो खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। दूसरा, जस्टिस के देवता शनि देव, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है काले कुत्ते को रोटी देने से। और अगर इन्होंने आपके दरवाजे पर आना शुरू कर दिया है तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब भी आते हैं तो कोई ना कोई शुभ संकेत, शुभ समाचार के साथ ही आते हैं। तो ये बहुत शुभ है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। बात करें चौथे संकेत के बारे में, तो अगर आपके स्वप्न में साधु संतों ने आना शुरू कर दिया है,
सोते हुए आपने सपने में साधु संतों को देखा तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये ऐसा स्वप्न है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि परमात्मा आपसे खुश है या नाराज़ है। तो अगर साधु संत आपको ब्लेसिंग्स देते हुए दिखते हैं या अच्छे वे में दिखते हैं, पूजा पाठ करते तपस्या करते दिखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए एक बहुत शुभ संकेत है कि आपको परमात्मा की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही है, उनके छत्र छाया में हैं आप। बहुत खुश होने की ज़रूरत है। बात करें पाँचवें संकेत के बारे में, तो अगर आपको स्वप्न में कोई भी भगवान जी नज़र आ जाते हैं, चाहे हनुमान जी, लॉर्ड कृष्णा, गणेशा, विष्णु भगवान, शिव जी, कृष्ण जी, या फिर आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी दिख रहे हैं स्वप्न में, चाहे जीसस दिख रहे हैं या फिर वाहेगुरु दिख रहे हैं, अल्लाह दिख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आपको परमात्मा के डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिल रही है। और जब ऐसा होता है तो आपके जीवन में जो भी कमियाँ रहती हैं ना, सारी की सारी बस यूँ समझ लीजिए कि चुटकी बजाते पूरी हो जाती है। क्योंकि जब यूनिवर्स की ही नज़र आपके ऊपर है, जब उन्हीं की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, तो अब आपको क्या चाहिए। आप जीवन में जो चाहते हैं वो सब कुछ मिल पाता है जब ये पांच संकेत आपको लगातार मिलने लगते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये संकेत मिल रहे हैं तो बहुत खुश होइए, और इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मुझे लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो अपलोड कीजिए। आज मैंने कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप सभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, पसंद करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, उसे फॉलो कीजिए और अपनी आवाज़ में अपने सवाल पूछिए, मतलब आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, आपको क्विक आंसर मिलता है। अदरवाइज आप मैसेज करते हैं तो थोड़ा टाइम लेती हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं। तो हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहिए एंड हमेशा आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री कृष्णा।